सोचा कि कुछ कहूँ, और यही कहने के लिए मैंने अपने तौर पे कोशिश की है। मेरी सारी तख्लीक आपके हवाले है, आपको इसे परखना और सोचना है कि मैंने अपने तौर पे जो कोशिश की है कैफी के ताल्लुक से वो आपके लायक है या नहीं। मेरी अपनी सी कोशिश और उसमें कैफी आज़मी, और कैफी आज़मी ख़ुद इबलीस की मजलिस शोरा में। दरअसल कैफ़े के ताल्लुक़ से मैंने यही सोचा था कि वो तमाम बातें जो होती रहनी हैं उससे अगर ज़रा सा इज्तनाब मैं बरतूं तो शायद अपने तौर पर कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त कर पाऊँ या कोशिश कर पाऊँ। तो बिल्कुल इसी तरह की एक छोटी सी कोशिश है, वो कुछ इस तरह है कि ज़िंदगी या वजूद की बुनियाद इस्बात व नफ़ी और खैर व शर के जदरियात पर रखी गई है। इस्बात वजूद जहाँ खल्की सफात का इजहार है, वहीं इस्बात वजूद के साथ नफ़ी का तसव्वुर भी जुड़ा है। तख्लीक कायनात, मखलूक़ात का ज़ुहूर और उसमें इंसान का अशरफ होना, ये सारी हकीकतें एक दूसरे से बाहम पेवस्ता हैं। इंसान या आदम तगैयुरात ज़िंदगी और उसकी हलचल का मरकज़ है। उसे अपने शर्फ के इस्बात के लिए आजमाइश से, बल्कि ये कहना चाहिए कि इबलीस के शर से नबर्द आजमा भी रहना पड़ता है। हिकमत व फ़लसफ़े और शेर व अदब की दुनिया में खैर व शर की इस जदलियात पर हमेशा गुफ्तगू होती रही है। कायनात और उसके रमूज़ को पूरी तरह अपने काबू में कर लेना किसी एक मकतब फ़िक्र या किसी एक मुफक्किर के बस की बात नहीं। ये मौजू इतना वसी है कि इसे महज किसी एक ख़ास नज़रिए तक महदूद नहीं किया जा सकता, और नज़रियात एतबार से मुख्तलिफ मकादिब फ़िक्र ने अलग अलग इसकी तशरीह के पहलू निकाले हैं। आप और हम सभी जानते हैं और सभी को इसका इल्म है कि इकबाल एक ऐसा नाम है जिसने इन रमूज़ पर गौर किया और खैर की राह में आने वाली खुदी या मर्द कामिल का नज़रिया शऊर ज़ात से ताबीर किया और जिसे खुदी का नाम दिया। इबलीस खुदी या मर्द कामिल की राह में एक ज़बरदस्त रुकावट है। वो वसवसे डालता है, शर को खैर बनाकर पेश करता है, और यही इकबाल की फिक्र और शायरी का बुनियादी जमजमा है। इससे अलग जो भी है वो शर है। खैर की राह में रुकावटें डालने वाला शर और शर का मंबा इबलीस है। इकबाल की शायरी में इसका जिक्र बार बार आता रहा, और इस सिलसिले की एक कड़ी इबलीस की मजलिस शोरा भी है। इकबाल की ऐसी नज़मों का एक ज़बरदस्त असर ये भी रहा कि मुख्तलिफ नज़रियात के हामी अपने तस्वुरात कायम करने के लिए इकबाल के तस्वुर इबलीस और ख़ुद इकबाल की नज़म इबलीस की मजलिस शोरा पर बहुत कुछ लिखा गया। इकबाल की शायरी के बुनियादी नज़रिए से इश्तराकियत के नज़रियात के दाई घबराते रहे और उन्हें अपने लश्कर का हिस्सा बनाने की कोशिशें भी करते रहे, उनसे इस्तिफादा भी करते रहे, और उन्हीं इस्तिफादा करने वालों में एक अहम नाम कैफी आज़मी का भी है। उनके शेरी मजमुओं में इबलीस की मजलिस शोरा दूसरा इजलास भी शामिल है। उनके शेरी मजमुए में ये नज़म उन्होंने 1983 में लिखी, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैफ़ी ने अपने नज़म के मतन में इकबाल की नज़म इबलीस की मजलिस शोरा का मतन पूरे तौर पे शामिल किया, और अपने मतन के क़याम के लिए उन्होंने इकबाल की नज़म को पहला इजलास और अपनी नज़म को दूसरा इजलास करार दिया। इसलिए कहना दुरुस्त होगा कि यह नज़म इकबाल की नज़म की तौसी है। यहाँ एक और नुक्ता काबिल गौर है कि कैफ़ी ने इकबाल की नज़म को पहला इजलास तो करार दिया, लेकिन उसे 1936 की नज़म की तख्लीक के साल के तौर पर कबूल करने के बजाय उसे 1936 के कवायफ पर महमूल किया। यानी वो दौर जब तरक्की पसंदी का उरूज कहें या एक सारे आलम पे है, मैं सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ वाली सी कैफियत थी, उस तक ही उसको समेटने की कोशिश भी की जो इकबाल की नज़म के तेवर और इकबाल के वजूद से मुतालिक इकबाल के बुनियादी तसव्वुर के बरखिलाफ़ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि अच्छी और मियारी नज़में या शायरी वक्त की परवरदा सही, लेकिन वक्त से मावरा होती हैं। अच्छी और मियारी तख्लीक जमा व मकान की कैद से आज़ाद होती है। ये और बात है कि बनते हालात और माहौल के तहत उनकी नई ताबीर व तशरीह होती रहती है।
के मार्का मसलसल का रस्मनामा उसके मकाम और जमा का तस्वुर महदूद नहीं, अजल से सिलसिला कायम है। लेकिन कैफी को चूँके इबलीस की मजलिस शुरा का दूसरा इजलास बुलाना था, इसलिए इकबाल की नज़्म के बुनियादी सरोकार को 1936 तक महदूद कर दिया और अपनी नज़्म को उससे आगे यानी 1983 तक करार दिया। कैफ़ी अपनी नज़्म के शान नज़ूल के सिलसिले में कहते हैं, जब मैंने पहली मरतबा डॉक्टर इकबाल की मशहूर नज़्म इबलीस की मजलिस शोरा पढ़ी थी तो उससे मुतासिर भी हुआ था और मरूब भी। लेकिन बाद में जब तारीख़ की ठीक वही रफ्तार नहीं रही इबलीस ने जिसकी पेशन गोई की थी, तो बार बार ये ख्वाहिश जागी कि मैं इबलीस की मजलिस शोरा का दूसरा इजलास बुलाऊँ और उसकी रुदात कलमबंद करूँ। लेकिन एक तो इकबाल के लहजे और आहंग से इतना मरूब था कि कलम उठाने की हिम्मत ना होती थी, दूसरी ये झिझक भी थी कि मेरा शुमार लखनऊ के उन शायरों में ना होने लगे जिन्होंने शिकवा के जवाब में लंबी लंबी नज़में लिखीं। ये तमाम बातें उन्होंने इकबाल के उस मजलिस शुरा के दूसरा इजलास में जो बयान की सफाई दी है उसमें लिखी है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि मेरी तरह सारी दुनिया देख रही है कि सोशलिज़्म इकबाल के इबलीस ने जिसको काबिल इतना ना समझा था और जिसका तोड़ उसने फुस्तायत में देखा था, आज वो नज़रिया हयात फातेहाना पूरे आलम इंसानियत को अपनी वसी बाहों में समेटे ले रहा है। दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर जब फुस्तायत और नाज़िज़्म ने सोशलिज़्म के हाथों फैसला कुन शिकस्त खाई, तो मैंने और साहिर मरहूम ने यह मंसूबा बनाया था कि हम दोनों मिलकर इबलीस की मजलिस शुरा का दूसरा इजलास लिखें। लेकिन वो मंसूबा बहुत से सरकारी मंसूबों की तरह कागज़ पर ही रहा, और लेकिन उस ज़माने में बेरूत में फिलिस्तीनी मुजाहिदों का जिस तरह कत्ल आम हुआ उसने मेरे ज़मीर को इस तरह झिंझोड़ा कि मैंने ये नज़्म लिख ही डाली। अपने फ़लसफ़े हयात पर मुझे जितना एतमाद है, अगर अपने फ़न पर भी इतना एतमाद होता तो ये नज़्म अब से बहुत पहले लिख चुका होता और सफाई पेश करने की ज़रूरत भी ना होती। ये तमाम बातें उन्होंने किस मकसद के तहत कहीं वो आपके सामने आता जाएगा। इस पर इतिमाद और अपने फ़न पर बेतिमादी का इजहार किया गया है, इसका इजहार नज़्म के बयानिए से भी होता है। ये बात तो सामने आ चुकी है कि नज़्म की बुनियाद इकबाल की नज़्म पर है। इस नज़्म का अहम मकसद इश्तराकियत के नज़रिए की तबलीग व इशाअत है। ये नज़्म इबलीस या उसके मुशीरों की ज़बान से वकालत करती है कि इश्तराकियत का नज़रिया आलम इंसानी का निजात दहिंदा है। नज़्म में जा बजा इकबाल की इस्तेमाल करदा तरकीबें इस्तेमाल होती रही हैं। पहला बंद इबलीस की ज़बान में अल अमा वल हज़्र गीती का ये रक़्से जुनू ढल चला है एक सांचे में जहाने काफ़नू, मशरिक़ व मगरिब में पहली सी नहीं बेगानगी, सरहदों ने मल लिया रुखसार पर समतों का खून। पहले बंद में गीती के रक़्से जुनू से इबलीस पनाह मांगता है। इकबाल ने काफ़नू बराए कुन की तरकीब इस्तेमाल की थी। कैफ़ी भी जहाने काफ़नून को एक सांचे में इस तरह ढाल रहे हैं कि अब मशरिक़ व मगरिब में पहली सी बेगानगी बाकी नहीं रही, सरहदें बस समत का अशारिया बन गई हैं। ये सूरत हाल इबलीस की परेशानी का सबब है। यहाँ ये नुक्ता भी पोशीदा है कि इश्तराकियत ने इंसानों को एक कर दिया है। इकबाल की नज़्म के पहले बंद में जहाँ काफ नून का इस्तेमाल हुआ है, इकबाल की नज़्म में दुनियाए दूँ का अनासर पुराना खेल और साकिनान अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून करार दिया है। इकबाल ने कहा है, ये अनासर का पुराना खेल ये दुनियाए दूँ, साकिनान अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, उसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहान काफ़नू। अनासिर का पुराना खेल फिक्र में जो वसत है वो कैफ़ी के मिसरों में मफकूद है। इबलीस की झलाट ये कहती है कि जिसने इस जहान काफ़नू को आबाद किया था आज वो खुद उसकी बर्बादी पर आमादा है। उसमें एक तसव्वुर ये भी पोशीदा है कि इबलीस को बहकाने के लिए दी जाने वाली मोहलत करीब आ रही है। यहाँ इबलीस का गिला किसी इंसानियत या जमात के किसी गिरोह से नहीं, वो तो खालिक जहाँ पर तंज व तमस्खुर के तीर बरसा रहा है। वो उस पर नाजा है कि उसने खिलगत को इस तरह बहका दिया कि खालिक काफ़नू अब उसे खुद ही बर्बाद करने पर तुला है। उसकी झुल्लाट का सबब यह है कि वो भी साकिनान अर्श आज़म में शामिल था, अब शर का मुहर्रिक बन बैठा है। इकबाल के इस्तेमाल करदा अल्फाज की मानियत वसी तर है। ये अल्फाज आलम बातिन से आलम ज़ाहिर तक का इहाता करते हैं, जबकि कैफ़ी की नज़्म का पहला बंद इश्तराकियत के रक़्स जुनू का इस्बात करता है।
कैफी के मुताबिक इब्लीस आजिज़ और नाला हैं इश्तराकी नज़रिए की मकबूलियत से। यहाँ ये बहस नहीं कि ये कितना मौजू कितना वसी है, लेकिन ये बातें कितनी वसी हैं।